महाराज जी, साधक सावधानी में ऐसा लिखा है कि अगर आपने एक प्रश्न किया था, किसने उसमें उत्तर दिया था कि अगर खा के वो किसी की हत्या कर देगा, आप तुमने उसको भोजन कराया तो उसका भागीदार तुम भी बनोगे। फिलॉसफी तो यही समझा दो कि चार प्रकार के पात्र होते हैं, तो जिस प्रकार के पात्र में हमारा पैसा या सामान दान में लगेगा उसी प्रकार का फल मिलेगा। तामसी व्यक्ति में, राजसी व्यक्ति में, सात्विक व्यक्ति में और भगवान और महापुरुष के निमित्त चौथा। तो इन चार में जिसके प्रति तन मन धन किसी का समर्पण होगा उसी का फल मिलता है। इसलिए पात्र तो बिना समझे देना नहीं चाहिए, लेकिन ये खाना एक ऐसी चीज है कि अगर किसी को भूख लगी है तो वो पैसा तो हम दे नहीं रहे हैं कि दुरुपयोग करेगा, वो खाना खा लेगा चला जाएगा। तो हर एक कोई खाना खा के मर्डर नहीं करता। उसके आगे प्रश्न था कि हम तो पात्र उसका पता नहीं कर सकते ना, क्या पात्र है, पात्र पता करने की क्षमता तो नहीं है, किसी में नहीं है, लेकिन भगवान के निमित्त तो हमको जरूरत नहीं है परखने की कि भगवान पात्र है कि नहीं है। उसके निमित्त हम कर सकते हैं। अगर किसी को महापुरुष मिल गया है, समझ में आ गया है, तो भी गॉड को ढूंढने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई भगवान के निमित्त ट्रस्ट है और वो पैसा भगवान के निमित्त खर्च हो रहा है, ये वहां जाके देख ले तो वहां कर दे, आप मुंह निकल गौशाला इत्यादि में दान कर सकते हैं। भगवान के निमित्त वाले दान का मुकाबला कोई दान नहीं। जितनी गौशालाएं हैं हमारे देश में, 99.9% उसके प्रबंधक आधा रुपया खा जाते हैं। प्रबंधक, अनाथालय, गौशाला, धर्मशाला, सब में कमाई है लोगों की, वही लोग मैनेजर बनते हैं। ये तमाम जो खोले हुए हैं विधवा आश्रम, कोई बाल कल्याण का हिसाब कमाने के लिए खोले हुए हैं, कुछ उनको दिया और कुछ जेब में डाला। जैसे बाढ़ में गवर्नमेंट रुपया देती है हर प्रांत को, तो ऑफिसर लोग जो है कुछ दिया कुछ डाला। वो तो बाढ़ के लिए वेट करते रहते हैं महाराज जी।